Hey, so what's up guys? What's going on? Welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज हम अपने new device मतलब iPhone से vlog shoot कर रहे हैं. Boys, रास्ता cross कर लो भाई. आज हम आए इधर आए. देखो guys, यहाँ पे आए हैं. पालीवाल पार्क चलते हैं. अंदर ये एंट्री है. चलो उसके. चलो भाई, टिकट लेते आओ. टिकट पूछते हैं. टिकट ले ली और आओ. टिकट लेके चलते. चलो boys, टिकट ले ली फाइनली और अब अंदर की तरफ आ गए. और सामने आप जैसे आते हो इधर तो सामने ये दिखता है आपको ऐसा. यहाँ पे बोटिंग एरिया है. इधर बोटिंग कर सकते हैं आप. अभी करेंगे पहले हम राउंड मारते हैं. यहाँ से ये ऐसे गोल गोल राउंड मार के आते हैं चारों तरफ. तो चलो और राउंड मार के आए. बॉयज़ बोटिंग वाले एरिया में आ गए. देखो यहाँ पे ये बोटिंग होती है. बोटिंग एरिया है यहाँ पे. मेरे पीछे आप देख सकते हैं. अभी हम पहले पूरा आपको दिखा के आते हैं पार्क का. और देखिए गाइस, पीछे क्रेन है शायद. ये बर्ड क्रेन बर्ड दिख रही होगी आपको. चलो आओ. इसका पालीवाल पार्क का बहुत कम व्लॉग डला हुआ था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा इसका भी डाल के देखते आओ. तो भाई जितने भी आगरा वाले हैं मतलब उन्हें तो ये एरिया पता होगा. जैसे कोई आगरा घूमने आता है तो ये आप यहाँ पे भी ज़रूर आए. एक तरह से यहाँ पे हमारी लेक है. ये जैसे आप श्रीनगर में जाते हो वहाँ पे डल लेक दिखती है, तो ये हमारी यहाँ की लेक है, पालीवाल पार्क की लेक. तो अभी हम थोड़ा इसके देखिए गाइस, अभी मेरे सामने बहुत सारी डक्स खड़ी हुई है. आपको दिखाता हूँ कितनी सारी डक्स है. ये जो डक्स होती है ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती है. ये सब आती है माइग्रेटरी होके और ये भरतपुर जाती है. देखिए ये Take a moment right here, feeling like it's out here, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair. बॉयज़ ये देख सकते हैं आप. यहाँ पे बॉयज़ बहुत सारी लोग उधर बोटिंग कर रहे हैं. अभी हम भी जाके करेंगे बोटिंग उधर. ये जो हमारे यहाँ आगरा में पालीवाल पार्क है ये बहुत फेमस है. मतलब सुबह सुबह जो भी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं ये पार्क इस बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं. मॉर्निंग वॉक के लिए सबसे बेस्ट पार्क है. आप आते सुबह सुबह ताज़ी सांस लो, हवा बिल्कुल मस्त और इन्वायरमेंट भी मिलता है. पास में लेक आपको आती है, अच्छी नज़र. और फिर ये तो बॉयज़ यहाँ पे तो मामला कुछ गड़बड़ी चल रहा है पीछे के साइड मेरे. मैं आपको बता नहीं सकता. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और अब हम थोड़ा सामने वाले एरिया में आ गए. देखो गाइस, ये देखो कितना बढ़िया ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है. देखो गाइस, और बादल छाए हुए आसमान में, इतना बढ़िया मस्त मौसम हो रहा है. तो हमने सोचा आज क्यों ना बनाया जाए इस ब्लॉग को भी. बॉयज़ देखो बगल में ये लेक है और ये आपका फुटपाथ टाइप बनी हुई है. और सामने अब हमारे एक ब्रिज आने वाला है. ब्रिज को भी क्रॉस करेंगे गाइस. पर को बेकार हुआ, ये ब्रिज बंद पड़ा हुआ है. अभी देखो जा नहीं सकते अंदर. ये ब्रिज बंद है गाइस, इसको क्रॉस नहीं कर सकते. ये ब्रिज खुला होता तो हम इसको क्रॉस करके उस साइड जा सकते थे, पर अब हमें जहाँ से घूम के आए फिर वापस जाना पड़ेगा. बहुत बेकार हुआ यार. वो ब्रिज अगर खुला होता तो हमें वहीं से जाने की जरूरत पड़ती. अब हमें उल्टा आना पड़ रहा है फिर से लौट के टाइम. और चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पहले जब हम आते थे तो पहले टाइम खुला था. मैं आया भी तो कम से कम 5-6 साल बाद आया हूँ बस इसके टेस्ट करने. गाइस यहाँ पे एक मज़ार भी बनी हुई है अंदर साइड. ये वज़ीरपुरे का एरिया है यहाँ पे. और यहाँ पे पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे. भाई अब बचा ही क्या है, अब तो बस बोटिंग ही कर सकते हैं. गाइस अभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ. देखिए कितनी सारी डक्स सो रही है. देखिए कितनी गहरी नींद में सो रही है आराम से बेचारी. अभी जब हम गए थे तो सब जगी हुई थी, अब एकदम से सो गई. देखो गाइस सफाई कर रहे हैं भाई पार्क की. बहुत अच्छा काम करते हैं. मतलब पार्क की जिम्मेदारी सब इन्हीं पर होती है, साफ़ सफाई की. अब वहाँ से तो ब्रिज बंद था तो अब हम इस साइड से और जाएंगे क्योंकि वहाँ वो बता रहे भैया उसके जो तख्ते हैं वो गल चुके हैं, लकड़ी उसकी. आगे की तरफ आ रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ का भी रास्ता थोड़ा बंद है क्योंकि देखो झाड़ वाड़ आ गए. अभी दिखाता हूँ आपको रास्ता कैसा हो रहा है यहाँ का. ये देखो कितना ख़तरनाक रास्ता है. ये बंद है, ऐसे घूम के जाना पड़ता है. पर इस साइड से भी जा सकते हैं शायद. ये खुला हुआ है. हाँ गाइस ये देखो कैसा होता जा रहा है. कभी भी गिर सकता है लेक के अंदर. फिर से वो ब्रिज के पास आ गए जो बंद पड़ा हुआ था. उसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकते, वो बता रहे भैया
अगर बाई चांस कुछ हादसा हो गया तो ठीक भी नहीं है इसको क्रॉस करना। हम तो क्रॉस कर नहीं सकते, पर वो कुत्ते उस पर आराम से सो सकते हैं क्योंकि उनका वजन तो आप जानते हो कितना हल्का होता है। हमने उन कुत्तों की नींद में खलल डाल दिया, तो हमें वो पीछे से देख के देख रहे, कह रहे भाई हमें सोने दो पुल के ऊपर। तो हम सोचते रहे तो पहले काट ले हमें वो। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है, खजूर का पेड़ है मुझे लग रहा है, ये खजूर का पेड़ है। और सामने गुफा है, ये गुफा उधर इधर से जाके उधर जाती थी, पहले खुली हुई थी जब बचपन में मैं छोटा था तो जब जा सकते थे इसके अंदर। अब देखो क्या हाल हो गया, पता नहीं इस गुफा में क्या क्या चीज़ होगी, सांप बिच्छू केचुए पता नहीं क्या क्या होगा अंदर। इस बारिश का माहौल वैसे ही है और बंदर बैठा हुआ है देखो यहाँ पे। और बारिश के मौसम में हम सोचते हैं ज़्यादा दूर रहे झाड़ जंगलों से, सांप निकल आते हैं। क्योंकि इस पूरा पार्क हमने आपको घुमा दिया, अगर वो ब्रिज खुला होता तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, एक कोने से स्टार्ट करते तो हम पूरा गोल घूम के आते। पहले हमने उस आधा पार्क को कवर करा, फिर हमने एक आधा पार्क को कवर करा, फिर ब्रिज कवर करा नहीं। भाई जी तो पीछे में वो पेड़ दिख रहा है, ये पिछले साल आंधी तूफान की वजह से गिर गया था। और वैसे जब भी आंधी तूफान आते हैं आगरा में तो इधर का एक ना एक पेड़ ज़रूर गिरता है। तो ये जगह है जो मेरे घर से बहुत पास है, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी बना लूँ, क्योंकि 5-6 साल हो गए थे मैं आया नहीं था इधर, तो आज आ गया फाइनली। बॉयज बोटिंग करने का टाइम आ चुका है, बोटिंग एरिया में आ गए, करते आ जाओ। तो बॉय भैया बुला रहे हैं उनको, टाइम हो गया और अब हम चलते हैं अपनी। कौन सी वाली मिली है? ये मिली है, मैं मार लूँगा। बॉयज चलो बैठ गए हम, बॉयज चलो चलते हैं। बारिश शुरू हो गई गाइस, बारिश और शुरू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। To my buzzer I'm done, and no luck with my mom. Say what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run, dangerous but it's so. बारिश शुरू हो गई गाइस, आईफोन का फ़ायदा उठाओ, बस यही है आईफोन का फ़ायदा, बारिश में भी ब्लॉगिंग करो। नहीं Driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun, running, running, no, hold on, don't let go, running, running, no, keep running. आपको बता दूँ ये लेक है जो, ये आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल लेक नहीं है, बनवाई गई है। बॉयज देखिए डॉगी आ गए हमारे फेवरेट। ये पुल है जो बंद हो चुका है, इसकी लकड़ियाँ गल चुकी है इस टाइम। हमारी बोट भी क्रेन है और क्रेन खड़ी है सामने, एक चक्कर ले लेंगे। Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun, running, running, no, hold on, don't let go, running, running, no, keep running. हमारी बोट फंस गई मिट्टी में, अब क्या होगा गाइस, हम पीछे इतना कर रहे हैं, बचाओ भाई कोई हमें। इस कम से कम 5 मिनट हो गया इधर ही फंसे हुए जब से हम, क्या होगा भाई, बीच में फंस गए बिल्कुल, शायद हम किनारे में आ गए। चांसेस लग रहे निकल सकते हैं, बस निकल लो गाइस जल्दी से, अब निकलते आगे मारते पैडल। बढ़ गई गाइस,
बढ़ाओ बढ़ाओ। हाँ फंस गए यार हम तो भाई, पीक में फंस गए बिल्कुल, पता नहीं कैसे निकलेंगे अब। निकल गए गाइस, निकल गए, तेज मारो, निकल गए फाइनली, अब निकले गाइस। भाई पैरों की तो आज एक्सी एक्सरसाइज हो गई, साइकिलिंग हो गई अच्छी वाली। भाई अब वापस ही चलते हैं, इतनी खतरनाक एक्सरसाइज करवाई थी इसने। हो गई इसकी बोटिंग, इसकी लेक की कितनी गहराई है लेक की पता है क्या? अच्छा तो भैया बता रहे किनारों पे पानी कम था तो इसलिए हमारी बोट फंस गई बीच में, मतलब साइड में हमने फंस गई, तो आप भी आओ तो इसमें बीच में ही करना। 15 मीटर गहराई है इसकी पूरी। अरे किनको उनको बुला रहे हो ना आप? आपकी ड्यूटी होती है पूरी। अब नहीं रहे देखो भाई सिग्नल है इनका, इनको बुला रहे हो। अच्छा कितना टाइम देते हो यहाँ पे करने को? 15 मिनट देते हैं भाई। ये भी बुला रहे हैं सब। अच्छा तुम अभी तुम्हें झूलना है ना, ठीक है झूलो। चलो बॉयज पसीने पसीने निकल आए। बॉयज फाइनली रोड पे आ चुके हैं। बॉयज पीछे यहाँ पे भुट्टा मिलता है और पीछे उसके मतलब शिकंजी टाइप पानी पूरी मिलता है। Feeling like it's out here, driving towards the sun with the